नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसे और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। लोकतंत्र का महापर्व है आज, और आज तय होगा कि देश का भविष्य किसके हाथों में रहेगा। 542 लोकसभा सीटों की काउंटिंग जारी है। रुझानों में यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है। कांग्रेस, सपा और टीएमसी को फायदा नजर आ रहा है। रुझानों में तीन राज्यों में एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में बीजेपी गठबंधन एनडीए को नुकसान होता नजर आ रहा है। कांग्रेस, सपा और टीएमसी को फायदा हो रहा है। प्रारंभिक रुझानों में तीन राज्यों में नुकसान हो रहा है बीजेपी गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को फायदा नजर आ रहा है। और आज मध्य प्रदेश ने नोटा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इंदौर में सर्वाधिक देश में नोटा को वोट मिले हैं अब तक। इसमें और बढ़त होगी, अभी लगातार इजाफा होता जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपील की थी लोगों से कि वो नोटा को वोट दें, तो दूसरे नंबर पर नोटा है, तीसरे नंबर पर बसपा है इंदौर में। और पूरे देश में जो रुझान आ रहे हैं उसमें फिलहाल एनडीए की सरकार बनते दिख रही है, लेकिन तीन राज्यों में नुकसान हो रहा है। तो ये देश भर के रुझान बता रहे हैं हम आपको। 542 लोकसभा सीटों की काउंटिंग जारी है, और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजपाल सिसोदिया, बीजेपी प्रवक्ता हैं, हिमानी सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हैं, चेतन भट्ट वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और मनोज वर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजपाल जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। 542 लोकसभा सीटों का जो रुझान आया है उसमें यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में एनडीए को नुकसान होता नजर आ रहा है, और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। बड़ा झटका नजर आ रहा है यहाँ पर। नहीं, निश्चित तौर पर अभी ये शुरुआती तीसरे चौथा चरण जो है चल रहा होगा, राउंड चल रहा होगा, और उस राउंड के रुझान आ रहे हैं अभी। उस रुझान के हिसाब से जरूर समझ में आ रहा है राउंड में राहुल तो नहीं बैठा कहीं। जी, बिल्कुल, मैं उसी बात को आपको कह रहा था कि ये इस रुझान के अंदर ये समझ में आ रहा है कि कुछ स्थानों पर जहां हमारे पास पहले ज़्यादा सीटें हुआ करती थी वहां अभी हम पीछे चल रहे हैं, पर अभी ये अंतिम रुझान नहीं है। जैसे जैसे हम नज़दीक पहुंचेंगे परिणाम के अंतिम राउंड तक पहुंचेंगे, तब तक हम आगे होने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे मार्जिन से अभी इस प्रकार से चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि अभी हम अच्छी स्थिति में हैं, देश के कई सारे राज्यों में हम जहां हम कम थे वहां बड़े हैं, जहां हम ज़्यादा थे वहां हमने मेंटेन भी करने का काम किया। जैसे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि 29 की 29 सीट पर आगे चलने का यहां पर अभी चल रहा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ सरकार में आएगी। देश की जनता मन बना चुकी है कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि दोपहर तक आते आते जब स्थितियां पूरी गिनती का जो है अंतिम चरण तक हम पहुंचेंगे, राउंड तक पहुंचेंगे, जब तक हम भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार बनाने की स्थिति में रहेंगे। तो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे हिमांत्री जी, हालांकि रुझानों में भी सरकार बनती दिख रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में कह रहे हैं 29 की 29 सीटें जीतेंगे। लेकिन आपके लिए भी खुशी की खबर है, तीन राज्यों में आपका गठबंधन बढ़त बनाए हुए, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार। अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक म्यूट है उधर से। हिमानी जी, माइक म्यूट है? हाँ, आ गई आवाज आपकी, बोलिए। आ गई, मैं कह रही हूँ कि जो रुझान दिख रहे हैं, जो आपको दिख रहा है तीन राज्यों में हम फायदे में हैं, वो बात सही है कि दिल्ली का रास्ता यूपी होके जाता है, और यूपी में आप देख सकते हैं बेहतरीन प्रदर्शन इंडिया गठबंधन ने किया है। और जहां तक मेरी बात है कि आज बहुत सारी चीजें सुनने में अच्छी लग रही हैं कि ऐसा हो जाएगा, 400 का आंकड़ा जो खाली बीजेपी अकेले पार करने की बातें करती दिख रही थी, वो खुद को अब बेहतर पोजीशन में लाके भी संतुष्ट दिखाई देते अभी नजर आ रहे हैं। ये इसी से समझ में आ सकता है कि
शाम तक रिजल्ट किसी भी तरफ जा सकता है। और 400 पार बीजेपी तो क्या एनडीए गठबंधन भी आपको 400 पार होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। और आप स्थिति देख सकते हैं कि कई जगह पर जो इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से चुनाव लड़ा, हमारे 11 खाते फ्रीज कर दिए गए, हमारे मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया, और जो भी तकनीकें यूज की जा सकती थी चुनाव को प्रभावित करने के लिए वो सब की गई, उसके बाद इतना बेहतरीन प्रदर्शन। अगर ये पूरा चुनाव फेयर तरीके से लड़ा जाता तो आप आज बिल्कुल पलट रिजल्ट देख सकते थे। तो मैं बस अभी यही कहना चाहूंगी कि सच में ये अभी रुझान है और दोपहर तक आते आते स्थिति बिल्कुल इससे उलट हो जाएगी। मतलब ईवीएम का कोई दोष नहीं है, भरोसा जागृत होने लगा उस पर ईवीएम को? जी अभी तक का मतलब ईवीएम पर अभी तक भरोसा बरकरार है आपका? ईवीएम पर भरोसा या इसकी जो भी बात होगी तो फिर इस तरह से, तो अगर सबसे पहले आपको सवाल इनसे ही पूछ लेना चाहिए था कि 400 पार के दावे का क्या हुआ। दावों का क्या, दावे तो कुछ भी कर सकते हो आप, कह दो 400 पार के, आप भी कह रहे हैं 295 प्लस का किसी ने खंडन किया है, ये तो विरोध करने वाला विरोध करेगा विरोधी दल तो, लेकिन दावे अलग चीज होती है ना। बात कीजिए, दावे अलग चीज है, ये तो मैंने फैक्ट बताया ना कि 11 खाते फ्रीज थे, हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्रियों तक को एंड चुनाव के वक्त जेल में डाल दिया गया। इस तरह की चीजों पे भी सवाल उठने चाहिए कि इतना फेयर चुनाव था नहीं जितना मजबूती से इंडिया गठबंधन फिर भी लड़ गया। चलिए भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है, भोपाल लोकसभा चुनाव में जो मतगणना जारी है, आलोक शर्मा को बढ़त जारी, आलोक शर्मा की बढ़त 59,799 वोटों से आगे चल रहे हैं आलोक शर्मा। तीन सीटों पर बढ़त है, गुना, विदिशा और भोपाल में। इसको रुझान नहीं कह सकते राजपाल जी, जिस तरह से बढ़त आ रही है ये तो एक तरह से हम नतीजों में परिणाम हो जाएंगे, ये बदल जाएंगे ये जो रुझान। देखिए बहुत बड़ी संख्या में लाख से ऊपर अगर तीसरे राउंड तक पहुंच गए बढ़त में तो वो तो निश्चित परिणाम तरफ जाएगा, पर 5,000, 4,000, 3,000 की कहीं बढ़त है तो वो परिणाम नहीं कह सकते अपन उसको, कहीं ना कहीं चेंज होने की स्थिति बनती है। पर ये जो तीनों सीटें आपने बताई, चाहे विदिशा हो, भोपाल हो, ग्वालियर हो, गुना हो, इंदौर है, ये तो सब लगभग जीत की ओर अग्रसर हो चुकी है, तय थी, ये तो पहले भी तय थी। जनता के बीच में जो है इसी प्रकार की एक धुन निकल रही थी, वहाँ से एक तरंग निकल रही थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी। लेकिन दिलचस्प छिंदवाड़ा के भी है, राजगढ़ छिंदवाड़ा में भी काफ़ी पीछे छूट गए हैं नकुलनाथ जी, मेरे ख्याल से 50,000 के लगभग पहुँच गए हैं पीछे वो, तो वो जीत की ओर बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतेगी ऐसा लग रहा है। तो चेतन जी, मध्य प्रदेश में तो 29 के 29 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, लेकिन हम बात करें पूरे देश की तो देश में जिस तरह से एनडीए गठबंधन को आपको लग रहा है कि तीन राज्यों में नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई कहां से होती नजर आ रही है? देखिए जहां तक मध्य प्रदेश की बात है तो 29 सीटों का लक्ष्य तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया था, और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का तो बयान था कि इस बार हम कमल की माला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में डालेंगे। और वैसे भी देखिए कि मध्य प्रदेश सबसे प्रमुख और बड़ा मजबूत गढ़ मान लिया गया है भारतीय जनता पार्टी, पिछली बार भी आप देखिए कि 28 सीटें थी, उनसे एकमात्र नकुलनाथ की सीट जो कांग्रेस के पाले में गई, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी कि ये जो एकमात्र सीट है वो भी हमारी झोली में मिल जाए। इसलिए अमित शाह हो, नड्डा जी हो, मोहन यादव हो, तमाम बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो छिंदवाड़ा में, कैलाश विजयवर्गीय तो वहां पर अपना धरना ही लेके बैठ गए थे किसी के पक्ष में हमको छिंदवाड़ा की सीट जीतना है। ये बात सही है कि कमलनाथ ने काफी भावनात्मक बयान दिए वहां पर, वहां की जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए, ये हमारा परिवार है और मैंने किया है। जो अभी प्रारंभिक रुझान आ रहे हैं उसमें अगर 50,000 की लीड कमल नकुलनाथ को दिख रही है, बंटी साहू को दिख रही है, क्या वो 50,000 की लीड काफी होती है? वो निश्चित तौर पर ये जो लीड है वो बढ़ती जाती है, तो मुझे लगता है कि बंटी साहू के भाग्य में विधायक लिखने नहीं लिखा था, उनकी किस्मत में सांसद बनना लिखा था, विधानसभा हारने के बाद भी सांसद की टिकट,
और वो हो सकता है कि सांसद में पहुंचे। जहां पूरे देश की बात है इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि यूपी में जो झटका एनडीए को लग रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी में जिस तरह से योगी सरकार की सरकार चला रही थी और ये लग रहा था कि वहां पर ही योगी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और उसका फायदा इस बार भी लोकसभा चुनाव में मिलेगा, लेकिन सपा ने और कांग्रेस ने मिलकर जिस तरह स्थितियां पैदा की वो तमाम जो आपके एग्जिट पोल आए थे वो तमाम एग्जिट पोल के सामने खेल चुके थे। इसके अलावा जो पूरे प्रदेश में पूरे देश में जो एग्जिट पोल की संख्या बताई जा रही थी वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ा गई, इसलिए लोग एग्जिट पोल को उतना भरोसा करते नहीं है, क्योंकि प्रेस से 300 ये जल्दबाजी है, क्योंकि जो लीड का अंतर है जो प्रारंभिक रुझान आ रहे हैं उसमें ज्यादा नहीं है, 100, 200, 300, 500, 1000 ये कभी भी पीछे हो सकते हैं। नहीं, ये जो हम लीड की बात कर रहे हैं, यदि विदिशा का उदाहरण दें, हम यदि हम गुना का उदाहरण दें, भोपाल का उदाहरण दें, तो इसको रुझानों को आप परिणाम में कन्वर्ट मान सकते हैं, लेकिन जो हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं अभी उतना मार्जन नहीं है या उतना अंतर नहीं है अभी कि वो पाटा नहीं जा सके। नहीं, ये बात तो सही है कि पाटा नहीं जा सकता, अगर कम का अंतर है जैसे मान ली 5000 का अंतर है, 7000 का अंतर है, तो वो हो सकता है कि जिस इलाके के बोर्ड खुल रहे हैं उसमें हमने तो देखा प्रधानमंत्री भी 6000 से पीछे थे। हाँ, 6000 से पीछे थे, लेकिन अभी भी उनका कोई बहुत ज्यादा लीड नहीं चल रही, मेरे ख्याल से 40000 के आसपास लीड होगी नरेंद्र मोदी जी की। वहीं आप देखिए कि अमित शाह 3 लाख वोटों से आगे चल रहे थे, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि मोदी जी की लोकप्रियता में कमी आई है, क्योंकि वाराणसी तो उनका प्रमुख क्षेत्र रहा है, लोकसभा का संसदीय क्षेत्र रहा है, और तमाम जो पूरे भारत में प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो मोदी जी के नाम पे खड़े हुए हैं, वो उनका अपनी हैसियत तो कुछ बताते नहीं है, वो तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का मैजिक है और उन्हीं की गारंटी है, लेकिन अगर मोदी जी 40-50 हजार से अभी आगे हैं और अमित शाह अगर 3 लाख से आगे चल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति बन रही है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने अपनी चुनाव की रणनीति बनाई, ये बात सही है कि ध्रुवीकरण हुआ है, धार्मिक आस्थाओं को उभारा गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, लेकिन जो मुद्दे लेके चल रही थी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन वो कहीं ना कहीं जनता से जुड़े थे, और ये लग रहा था कि ये जो धार्मिक उन्मादीकरण है या जो धार्मिक ध्रुवीकरण है वो कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों को पीछे छोड़ देगा, लेकिन ये जो निर्णय जो ध्यान आ रहे हैं उससे लगता है कि जनता को जो अपने मुद्दे हैं उनके प्रति भी एक धारणा बनी है कि भाई इस तरह के अगर जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, पेट्रोल डीजल की कीमतों का मुद्दा है, ये तमाम चीजें भी कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करती हैं, और यही कारण है कि इंडिया गठबंधन शुरू से उन तमाम मुद्दों को लेकर चल रहा था, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने हर चरण के बाद अपने मुद्दों में परिवर्तन किया, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, फिर भैंस का मुद्दा हो, चाहे मंगल का मुद्दा हो, गांधी का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे उन्होंने अपने अपने हर एक चरण में बदले, लेकिन इंडिया गठबंधन जिन मुद्दों को लेकर चल रहा था उसके प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है, ये जो प्रारंभिक रुझान दिखा रहे हैं उससे ये पता लगता है कि लोगों में इस बात की आशंका है कि जो मुद्दे हैं उन पे भारतीय जनता पार्टी ज्यादा ध्यान ना दे के ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है, और इसका प्रतिफल आप देखिए कि कहीं ना कहीं जैसे टीएमसी की बात हो रही थी वहां पर वो बता रहे थे, एग्जिट पोल बता रहे थे कि बीजेपी को बढ़त मिलने वाली है, टीएमसी काफी नीचे चली गई लेकिन टीएमसी काफी आगे है। इसी तरह से आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के बारे में तो ये माना ही जाता था कि उत्तर प्रदेश का जो रास्ता, दिल्ली का जो रास्ता है, उत्तर प्रदेश से शुरू होता है, और 80 में से अगर 40 सीटें भी इंडिया गठबंधन ले लेती है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज है, और ये कहीं ना कहीं योगी के नेतृत्व प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है इस बात को लेकर, क्योंकि वैसे भी बहुत ज्यादा उनका कद बढ़ रहा था और ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अच्छा नहीं लगता है कि कोई किसी भी बड़े नेता का इतना कद बढ़ जाए कि वो उनके बराबर पहुंच जाए, तो हो सकता है कि इससे भी कुछ उलटफेर की संभावना है, लेकिन सपा ने जिस तरह से वहां पर जो अपना नैरेटिव सर्च किया था उसका फायदा कहीं ना कहीं मिल रहा है कांग्रेस में। आप देखिए अमेठी से जो स्मृति ईरानी वो पीछे चल रही है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपका बड़बोलापन भी आपको खा जाता है, स्मृति ईरानी भी जिस तरह के बयान दे रही थी तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता था कि बहुत ज्यादा अहंकार में तरह के बयान दे रही, और जैसे राहुल गांधी, जबकि वो तो कोई बहुत बड़े नेता नहीं है जो स्मृति ईरानी के अगेंस्ट में खड़े हुए, लेकिन वो एक चूंकि वहां के लोकल है और लोकप्रिय नेता है इसलिए उसका फायदा उनको मिल सकता है। अब ये बात अलग है कि अंत अंत तक स्मृति ईरानी
तो यह कैंडिडेट भी डिपेंड करता है ना, सिर्फ मोदी की लोकप्रियता ही कुछ मायने नहीं रखती। तो प्रभु जी गलत बता रहे हो, प्रभु जी है ना, क्या मोदी जी की लोकप्रियता पर फर्क पड़ रहा है या कम हुई है? यदि हम वाराणसी के मामले में देखें तो लीड उनको अभी ज्यादा नहीं मिली है, अमित शाह को ज्यादा मिल गई। और दूसरा, जब भट्ट साहब कह रहे हैं कि एक राज्य में, वो मुद्दों की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के मुद्दे ज्यादा बेहतर थे, तो मध्य प्रदेश से लगा हुआ उत्तर प्रदेश है, एक राज्य में आप 29 की 29 सीटों पर आगे चल रहे हैं और दूसरे राज्य में आपको नुकसान हो रहा है। जी, उत्तर प्रदेश का मामला थोड़ा सा अलग है, वहाँ का मुकाबला दूसरी तरीके का, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये रिजल्ट है, ये शुरुआती रुझान है, ट्रेंड है। अभी चुनाव मतगणना जो है आधे भी नहीं हो पाई है, तो निश्चित तौर पर अभी ये, जैसा कि आप कह रहे थे कि कई सीटों पर मुकाबला बहुत बारीक की बराबरी का दिख रहा है, 100-150 हज़ार सीटें जैसा दिख रहा है, तो निश्चित तौर पर ये फिगर आगे बदल सकते हैं। हालांकि अभी समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई उत्तर प्रदेश में दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी की जो अपेक्षा थी उसकी तुलना में वहाँ पर बेहतर दिख रही है। तो यदि ये लड़ाई की समझ में आती है तो शायद वो मोदी और योगी की जो ज्योति थी, उनका जो काम था उसके मुकाबले जो समाजवादी पार्टी ने जो PDA का फार्मूला चला, वो जो जातिवादी जनगणना की बात हो रही थी और जो जिस तरीके से वो पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलितों को एक साथ लेने का जो गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किया था, ये उसका रुझान ज़्यादा दिख रहा है वहाँ पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार ये जातिवादी राजनीति वाले प्रदेश है, वहाँ पर जातिवाद का समीकरण काफ़ी काम करता है। सपा जब सरकार बनाई थी, सपा ने उत्तर प्रदेश में, तो माई समीकरण के दम पर हमने सरकार बनाई थी। बसपा जब आई थी तो दलित और ब्राह्मणों को साथ लेकर आई थी, तो इस तरीके के समीकरण वहाँ चलते रहते हैं। तो ये जो PDA का जो फार्मूला जो अखिलेश यादव लेके आए थे, हो सकता है ये उसका ट्रेंड अभी आ रहा हो, लेकिन अभी इस बारे में उत्तर प्रदेश वाकई क्या कह रहा है, क्या वाकई इतनी बुरी बड़े बदलाव की ओर जा रहा है, तो ये अभी हम शायद एक आध घंटे बाद इस बारे में बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, तब स्थितियाँ बेहतर समझ में आएगी। लेकिन जैसे हम मध्य प्रदेश से तुलना करते हैं, जैसा आपने भी कहा, इंदौर देख लीजिए, विदिशा देख लीजिए, चाहे खजुराहो देख लीजिए या और भी सीटें देख लीजिए मध्य प्रदेश की, जहाँ पर कि लाखों की लीड पे चले गए हैं लोग, 1 लाख से ज़्यादा की लीड पर हैं, कोई 5 लाख से ज़्यादा की लीड पर है, तो ये इसको पाटना काफ़ी मुश्किल होगा। जहाँ कम अंतर का भी रुझान आ रहे हैं, तो वहाँ पर निश्चित तौर पर जब बदलाव की बयार हो सकता है कोई एक पॉकेट अभी खुला हो जिसकी वजह से ऐसा परिणाम दिख रहा है। कि हम छिंदवाड़ा देख रहे हैं, छिंदवाड़ा में भी हम कह रहे थे कि बड़ा, छिंदवाड़ा को भी समझेंगे प्रभु जी आपसे, क्योंकि आप खुद गए थे वहाँ पर और क्या परिस्थितियाँ थी। लेकिन पहले चलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो, जहाँ पे अस्मिता हमें बताएंगे मध्य प्रदेश की 29 सीटों में कौन आगे है, कौन पीछे है। बिल्कुल ब्रजेश जी, और बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, लगभग 12 बजे का समय हो गया है, और ऐसे में क्या कुछ रुझान है, क्या कुछ स्थितियां सीटों पर आ रही है, ये जानने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दर्शकों को बता देते हैं कि एक एक सीट पर क्या कुछ हाल है। सबसे पहले अगर हम बात करें भिंड सीट की, तो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। संध्या राय यहाँ से BJP की प्रत्याशी है जो कि आगे चल रही है। अगर हम वोटों की बात करें तो करीब 6,000 वोटों से संध्या राय आगे चल रही है। अगली सीट की ओर बढ़ेंगे, अगली सीट की बात कर लेते हैं। अगली सीट है हमारी टीकमगढ़ सीट, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सीट। यहाँ पर भी हमारे BJP के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और पंकज अहिरवार को इन्होंने पछाड़ दिया है। वीरेंद्र खटीक लगभग 1,78,000 वोटों से आगे चल रहे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा टफ चैलेंज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी देती नजर आ रही है। अगली सीट की ओर बढ़ेंगे, अगली सीट की बात कर लेते हैं। अगली सीट है हमारी मंडला सीट, यहाँ पर भी मुकाबला काफी ज्यादा कड़ा है और फग्गन सिंह कुलस्ते आगे चल रहे। शुरुआती जो रुझान थे इसमें थोड़े पीछे थे, लेकिन अब जो है जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे जो है पिक्चरें क्लियर होती जा रही है। तो मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते आगे चल रहे। अगली सीट की ओर बढ़ेंगे, अगली सीट की हम बात कर लेते हैं। अगली सीट है छिंदवाड़ा सीट, सबसे ज्यादा हॉट सीट, सबसे ज्यादा कड़ा मुकाबला इसी सीट पर देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर छिंदवाड़ा सीट से नकुल नाथ काफी ज्यादा पीछे चल रहे हैं और एक सबसे ज्यादा शॉकिंग न्यूज है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए। विवेक बंटी साहू यहां पर आगे चल रहे हैं। अगर हम वोटों की बात करें, 21,000 वोटों से विवेक बंटी साहू फिलहाल आगे चल रहे हैं। हालांकि अब कुछ भी हो सकता है, आने वाले समय में जो रुझान आएंगे उसमें हम कुछ कह नहीं सकते छिंदवाड़ा सीट को लेकर। अगली सीट की ओर बढ़ेंगे, अगली सीट की बात कर लेते हैं। अगली सीट है हमारी रीवा सीट, रीवा अगेन BJP का गढ़ माना जाता है। और अगर रीवा की बात करें तो यहाँ पर जनार्दन मिश्रा आगे चल रहे हैं, नीलम मिश्रा को इन्होंने पछाड़ा है। अगर हम वोटों के अंतर की बात करें तो रीवा से जो है 42,000 वोटों से ये ज्यादा
आगे चल रहे हैं और अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ रीवा सीट पर परिणाम होता है। अगली सीट की ओर बढ़ेंगे, अगली सीट की बात कर लेते हैं। अगली सीट जो है हमारी होशंगाबाद सीट। अगेन होशंगाबाद भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सीट, हॉट सीट इस बार मानी जा रही थी, क्योंकि दर्शन सिंह चौधरी यहाँ से प्रत्याशी है और फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं वहां पर इनको बढ़त मिलती नजर आ रही है, करीबन 97,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। आंकड़ा थोड़ा सा बड़ा है, अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ बदलाव होते हैं इसमें। संजय शर्मा को उन्होंने पछाड़ा है। अगली सीट की बात कर लेते हैं, अगली सीट है हमारी भोपाल सीट। अगेन भोपाल इज वेरी इंपॉर्टेंट हॉट सीट, सबकी नजरें इस सीट पर भी बनी थी। अगर यहाँ की हम बात करें तो आलोक शर्मा यहाँ से आगे चल रहे हैं, अरुण श्रीवास्तव को इन्होंने पछाड़ दिया। अगर हम वोटों की बात करें तो 59,000 वोटों से आलोक शर्मा आगे चल रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि भोपाल सीट पर क्या कुछ परिणाम आता है। अगली सीट की ओर बढ़ेंगे, अगली सीट जो कि हमारी राजगढ़ सीट। अगेन राजगढ़ भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा हॉट सीट। दिग्विजय सिंह यहां से चुनावी मैदान में है और सबसे ज्यादा शॉकिंग न्यूज तो यह है कि दिग्विजय सिंह यहां से पीछे चल रहे हैं, रोडमल नागर इन्हें पछाड़ते नजर आ रहे हैं। अगर हम वोटों की बात करें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, करीबन 25,000 वोटों से रोडमल नागर आगे चल रहे हैं, तो स्थिति कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हम अभी फिलहाल कह नहीं सकते। अगली सीट की ओर बढ़ेंगे, अगली सीट की बात कर लेते हैं। हमारी अगली सीट है उज्जैन सीट। उज्जैन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गढ़ है, उनका गृह क्षेत्र है, तो ऐसे में उज्जैन में भी कांग्रेस प्रत्याशी हमारे फिलहाल पीछे चल रहे हैं, महेश परमार, अनिल फिरोजिया इनसे आगे। अगर हम वोटों की बात करें कितने वोट से आगे है, तो करीबन 83,000 वोटों से अनिल फिरोजिया उज्जैन सीट से आगे चल रहे हैं। अगली सीट की ओर बढ़ेंगे, अगली सीट हमारी जो है रतलाम सीट। रतलाम में भी बीजेपी आगे चल रही है, रतलाम में भी जो है काफी ज्यादा कड़ा मुकाबला इस बार हमें देखने को मिल रहा था। रतलाम सीट के बारे में भी कुछ हम कह नहीं सकते थे पहले से, लेकिन यहां पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। वही अगर हम वोटों की बात करें तो रतलाम में 1,17,000 वोट से आगे चल रही है अनीता चौहान, तो हम देख सकते हैं कि कितनी मजबूती के साथ वो यहां पर चुनावी मैदान में उतरी और कांतिलाल भूरिया काफी बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, उन्हें पछाड़ती नजर आ रही है। अगली सीट की ओर बढ़ेंगे, अगली सीट की बात कर लेते हैं। गुना सीट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सभी की नजरें इसी सीट पर बनी हुई है। गुना से अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से बीजेपी प्रत्याशी है, राव यादवेंद्र सिंह को पछाड़ते नजर आए हैं। वोटों की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है 2,31,000 वोट से आगे है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराजा की लोकप्रियता फिलहाल बनी हुई है उनके गढ़ में। और अब देखना दिलचस्प होगा शाम को कि क्या कुछ यहां पर तस्वीरें सामने निकल कर आती है। अगली सीट की ओर बढ़ेंगे, अगली सीट की बात करेंगे, वो है हमारी विदिशा सीट। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आप मुस्कुराता हुआ चेहरा देख ही रहे होंगे, और हालांकि ये सबसे ज्यादा जो है हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, करीबन 2,50,000 सीटों से, यानी 2,50,000 वोटों से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर आगे चल रहे हैं, प्रताप भानु शर्मा को पछाड़ते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं लोकप्रियता अभी भी उनकी बरकरार है। अगली सीट की बात कर लेते हैं, हमारी अगली सीट है खजुराहो सीट। अगेन खजुराहो में जो है क्लियर चिट है बीजेपी के लिए, यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना था, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं जो कि स्थिति काफ़ी क्लियर ही थी, वी डी शर्मा आगे चल रहे हैं। वोटों की अगर हम बात करें तो 2,29,000 से ज़्यादा वोटों से वी डी शर्मा फिलहाल खजुराहो में आगे चल रहे हैं। आखिरी सीट की बात कर लेते हैं, हमारी आखिरी सीट है खंडवा सीट। खंडवा में भी बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है, ज्ञानेश्वर पाटिल बीजेपी के प्रत्याशी हैं यहाँ पर आगे चल रहे हैं, नरेंद्र पटेल को पछाड़ते नजर आ रहे हैं। वोटों की अगर बात करें तो 97,000 वोटों से ज्ञानेश्वर पाटिल यहाँ पर आगे चल रहे हैं, तो ये है ब्रिजेश जी अभी तक के रुझान, और कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि 29 की 29 सीटों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ब्रिजेश जी धन्यवाद अस्मिता। तो आपने देखा कि 29 में से 29 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी, क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। तो प्रभु जी छिंदवाड़ा में आप खुद गए थे, छिंदवाड़ा में मुकाबला माना जा रहा था, इसके साथ ही कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में आधा दर्जन सीटों पर कांग्रेस टक्कर देती नजर आ रही, लेकिन जो रुझान आ रहा है प्रारंभिक रूप से और जिस तरह से छिंदवाड़ा से भी खबरें आ रही हैं, टक्कर तो कहीं नजर नहीं आ रही। हालांकि कमलनाथ पहुंचे हैं आज कांग्रेस कार्यालय में, जीतू पटवारी और अरुण यादव के साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा है कि शाम तक बदलाव हो जाएगा दोपहर बाद और हम जीतेंगे। देखिए छिंदवाड़ा को लेकर बीजेपी ने जो रणनीति बनाई थी, माना जा सकता है कि अभी के जो ट्रेंड के हिसाब से यदि बीजेपी आगे चल रही तो उनकी रणनीति खासी कारगर रही। 2019 के चुनाव में
नकुल नाथ को जिन दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत मिली थी, अमरवाड़ा और छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से ही वो जीते थे, बाकी जगह वो पिछड़ गए थे। 37,500 करीब वोटों से उनकी जीत हुई थी, जो कमलनाथ परिवार के इतिहास में सबसे कम अंतर की जीत। तो बीजेपी ने अमरवाड़ा के जितने कांग्रेस के नेता थे उन सबको, प्रमुख नेताओं को बीजेपी में ले लिया। यहाँ तक कि अमरवाड़ा से जो कांग्रेस के विधायक हैं कमलेश शाह, वो भी बड़े चुनाव में बीजेपी में आ गए। यही काम उन्होंने छिंदवाड़ा में किया। दीपक सक्सेना जो कमलनाथ का पूरा चुनाव मैनेजमेंट संभालते थे, वो बीजेपी के साथ आ गए। चुनाव के पहले सैयद जाफर आ गए। तो इस तरीके से उन्होंने बड़ी तादाद में छिंदवाड़ा के जो कमलनाथ के जो पूरा चुनाव प्रबंधन का काम संभालने वाली टीम है उसको अपनी तरफ मिला दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि कमलनाथ को भावनात्मक कार्ड खेलना पड़ा आखिर में, और छिंदवाड़ा के चुनाव को ये मतलब मध्य प्रदेश के चुनाव में ये कहें कि एक तरीके से छिंदवाड़ा एक वो था जो थोड़ा सा शर्मनाक एपिसोड भी वहाँ पर हुआ कि बीजेपी कैंडिडेट को लेकर कुछ वीडियो वायरल होने की बात आई, पुलिस में शिकायत भी हुई, उसको लेकर आरोप भी लगे, कमलनाथ के घर तक बंगले तक पुलिस पहुँच गई थी। तो निश्चित तौर पर ये जो चरित्रहनन की जो राजनीति थी वो वहाँ पर भी उसका भी शायद कुछ नेगेटिव असर वहाँ पे जाता हुआ दिखाई दिया। यदि ये ट्रेंड यही जा रहे हैं तो ये मान के चलना चाहिए कि बीजेपी की जो रणनीति जो कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में वहाँ पर जो जमावट की गई थी छिंदवाड़ा में, एक एक पॉकेट को उन्होंने मजबूत किया और जो कमजोर क्षेत्र था बीजेपी के लिए वहाँ पर खासा काम किया, तो शायद ये उसकी वजह से परिणाम वहाँ पर पलटते हुए दिख रहे हैं। और एक बड़ी बात जो इस पूरे में वो है कि वो नकुलनाथ की निष्क्रियता, कमलनाथ से वहाँ के लोगों का सीधा जुड़ाव रहा है, छिंदवाड़ा के लोगों का जो 44 साल का उनका कैरियर है वो भले सीधे एक एक आदमी से ना जुड़े हों लेकिन उनके किसी गांव के प्रमुख जो कार्यकर्ता उसके जरिए वो पूरे गांव को साथ देते थे। नकुलनाथ के साथ ये दिक्कत हुई कि वो उस तरीके का जुड़ाव उनका लोगों से नहीं हो पाया। लेकिन चुनाव तो ऐसा लग रहा था कमलनाथ बनाम बीजेपी का है, निश्चित तौर पर कमलनाथ बनाम बीजेपी चुनाव लग रहा था, लेकिन कैंडिडेट तो नकुलनाथ थे ना, कैंडिडेट का भी वहाँ पर कुछ ना कुछ असर पड़ा है और ये पूरा एक कारण मुझे दिखाई देता है जिसकी वजह से ये है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा अंतर ऐसा दिख नहीं रहा है, करीब 20-22 हज़ार का अंतर है अभी। आगे यदि नतीजे किस तरह मोड़ लेते हैं ये अभी कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल बीजेपी चूँकि सुबह से बीजेपी आगे चल रही है छिंदवाड़ा में, तो मान के चल सकते हैं कि छिंदवाड़ा में भले कम अंतर से जीते बीजेपी लेकिन जीत की ओर लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जीत की ओर लगातार तो बढ़ रही है मनोज जी बीजेपी, लेकिन जो हम बात कर रहे थे जो प्रभु जी से भी मेरा सवाल था, कुछ सीटों पर टक्कर देती नजर आ रही है कांग्रेस, तो सिर्फ क्या कागजों में टक्कर देती नजर आ रही थी या विधानसभा के जो परिणाम आए थे उसके आधार पर हमने आकलन किया, लोगों ने आकलन किया और कांग्रेस ने भी खुद आकलन कर लिया कि हम यहाँ पर मजबूत हैं, उम्मीदवार वैसे शायद नहीं उतार पाई वो। बिल्कुल सही था कि ब्रजेश जी, अगर हम ग्वालियर भिंड मुरैना अगर उन सीटों की बात करें जहाँ विधानसभा कांग्रेस ने अच्छा किया तो लग रहा था कि, लेकिन जो कैंडिडेट चयन में चाहे वो सतपाल सिंह सिकरवार की बात कर लें कि उनकी उम्मीदवारी या जो प्रवीण पाठक ग्वालियर से जिनको टिकट दिया या फूल सिंह बरैया भिंड से, इन तीनों की उम्मीदवारी को लेकर जिस प्रकार आपस में खींचतान मची रही है आप देखिए, चाहे वो दिग्विजय सिंह के बीच हो चाहे उमंग सिंगार के बीच हो चाहे जीतू पटवारी के बीच हो। मनोज जी मैं आपको रोक रहा हूँ, फिर लौटूंगा आपके पास। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है बीजेपी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के बधाई के पोस्टर लग गए हैं, धन्यवाद भोपाल के पोस्टरों से पटी राजधानी, लड्डू बनना शुरू हो गए हैं, पोस्टर लग गए हैं, जश्न मनाना शुरू कर दिया है राजधानी में। बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा की बधाई के पोस्टर लगे हुए हैं, ये देख रहे हैं आप किस तरह से वैलून पे आलोक शर्मा, नरेंद्र मोदी, धन्यवाद भोपाल, बड़े तालाब के ऊपर ये वैलून आप देख रहे हैं। जी मनोज जी, एक तरफ बधाई शुरू हो गई है। बिल्कुल, जो मैं आपसे कह रहा था कि आप देखिए कि ग्वालियर मुरैना की लीड 17,000 की है, भिंड में 5,000 या 6,000 की लीड है बीजेपी के पास। तो जो कांग्रेस ने कैंडिडेट चयन किया, जैसे फूल सिंह बरैया की बात करें, बाकी समाजों को लेके जो उनके विवादित बयान रहे हैं विधानसभा चुनाव के पहले देख लीजिए, जब उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी को इतनी सीट आएगी तो मैं अपना मुंह काला करवा लूंगा राजभवन जाकर, हालांकि प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने किया, अभी दिग्विजय सिंह के साथ गए थे, लेकिन उनके बयान जो वो कांग्रेस को भारी पड़ रहे हैं। सतपाल सिंह सिकरवार की जो उम्मीदवारी को लेकर जो खींचतान मची रही मुरैना में, क्योंकि आप देखिए उनके भाई सतीश सिकरवार को बीजेपी से चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने विधायक का टिकट दिया, ग्वालियर से वो जीते, फिर उनकी भाभी को महापौर का टिकट दिया गया वो जीत गई, तो कांग्रेस के अंदर या संतोष
दोस्त था कि अगर बीजेपी से आए परिवार की अगर लोगों को आप महापौर भी बना रहे हैं, विधायक भी और सांसद का भी टिकट, तो जो मूल कार्यकर्ता है जो वहाँ संघर्ष कर रहा था और जिसको उम्मीद थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद उसको कुछ स्पेस मिलेगा, तो वो उसके कारण वो मुझे लगता है वो नाराजगी भारी पड़ रही है। ग्वालियर की हम बात करें तो प्रवीण पाठक अच्छे कैंडिडेट थे, लेकिन जिस प्रकार से उनके चयन में खींचतान मचती रही आखिरी टाइम तक कि उनकी जगह ये नहीं वो नहीं है, इसके चक्कर में बहुत लेट उनका टिकट घोषित किया गया। पिछली बार विधानसभा का चुनाव जीते थे, इस बार चुनाव जरूर हार गए थे, लेकिन क्षेत्र में जरूर वो सक्रिय थे और उनकी हार भी बहुत बड़े मार्जिन से नहीं हुई थी। और अभी भी जो लीड है वो 17,000 की है, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है ग्वालियर संघ के ज़माने से। ये बात हो रही है कि अभी पिछले दिनों 55 साल बाद महापौर का चुनाव बीजेपी ने हार रहा था, उसके पीछे भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी, क्योंकि आप देखिए कि जो परिषद थी वो बीजेपी की बन गई थी। आप गुना में देख लीजिए, जो सिंधिया पिछला चुनाव 1,00,000 वोट से हारे थे, वहाँ पे यादव बनाम यादव उम्मीदवार को खड़ा करके कांग्रेस ने कोशिश की कि जो यादवों की नाराजगी है केपी यादव को टिकट नहीं मिलने के कारण, अभी तक सिंधिया लगभग 2.25 लाख की लीड ले चुके हैं। तो मुझे लग रहा है ये आंकड़ा 3, 3.5, 4 लाख तक जा सकता है। तो ये जो 4-6 सीटें आप देखिए, गणेश सिंह है, गणेश सिंह माना जा रहा था बहुत कमज़ोर प्रत्याशी है, और ये कुछ चुनिंदा ऐसे प्रत्याशी हैं जो अभी मध्य प्रदेश में 25,000 से कम की लीड में बीजेपी के चल रहे हैं, उनमें से गणेश सिंह भी एक हैं। रोड़मन नागर के खिलाफ कितनी नाराजगी थी आप देखिए, इसके बाद भी पार्टी ने उनको टिकट दिया। लेकिन चूंकि आप मोदी के नाम पर लड़ रहे हो राम मंदिर के नाम पर, लेकिन अगर कैंडिडेट का सिलेक्शन और अच्छा हो सकता था, क्योंकि दिग्विजय सिंह का गढ़ जरूर माना जाता है राजगढ़, लेकिन आप देखिए कि लगभग 35 साल पहले वो आखिरी वहाँ चुनाव जीते थे, वो 1400 वोटों से जीते थे। हाल ही में आप देखिए राघोगढ़ में जो उनका गढ़ है, जहाँ उनका बेटा जयवर्धन लड़ा था, उसकी लीड 4.5-5 हज़ार रही थी। चाचौड़ा जहाँ उनके भाई लक्ष्मण सिंह लड़े थे, 66,000 वोट से हारे थे वो, और इसके बावजूद कि आम आदमी पार्टी की ममता मीणा जो बीजेपी से बगावत करके लड़ी थी, 36,000 वोट वो ले गई थी। तो आप जब इतने बड़े बड़े आपके पास वहाँ गड्ढे दिख रहे थे, इसके बाद अगर आप चुनाव मैदान में उतार रहे हैं और ऐसे कैंडिडेट को जो कि कह रहा है कि मेरा आखिरी चुनाव है, तो आप देखिए पिछले चुनाव में भी डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा आखिरी चुनाव है, पार्टी ने घर बिठा दिया। टीएस सिंहदेव कह रहे थे छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री आखिरी चुनाव है, लोगों ने उनको घर बिठा दिया हरा कर। तो आप भावनात्मक मुद्दों से हर बार वोट हासिल नहीं कर सकते, वो भी तब जब जनता ये देख रही है। ठीक, आप मुख्यमंत्री थे 20 साल पहले, तो जिन लोगों को आपने ओबलाइज किया था वो एक पूरी पीढ़ी गुजर गई है। एक जो नई पीढ़ी है उसने उस समय के सड़क बिजली पानी भी देखे होंगे राजगढ़ मध्य प्रदेश में, और आज के हाईवे भी वो नई पीढ़ी देख रही है। तो ये सारी चीज़ें अंतर हैं। छिंदवाड़ा का जो प्रभु जी ने कहा, जो मैंने पहले भी आपसे कहा था जब हम पहले बैठे थे, कि जब उस कोर वोटर को ये लग रहा है कि जिस कार्यकर्ता जो 40 साल से दरी बिछा रहा है, नकुलनाथ, उनकी बीवी, उनकी माँ अलकानाथ या कमलनाथ के लिए, उसको लगता है यार कि बेटे की सीट के लिए बाप बेटे जो दोनों बीजेपी का दामन थामने को तैयार है, बायो बदल दिया है, घर पे से कांग्रेस का झंडा उतार के भगवा लगा दिया है, तो उसको लगता है कि अगर जीतने के बाद क्या गारंटी है कि नकुलनाथ कांग्रेस में बने रहेंगे, और हारने के बाद क्या गारंटी है कि नकुलनाथ कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है यही एक कारण है जो उन पर भारी नज़र आ रहा है। जो प्रभु जी ने कहा कि जब आपके आसपास के लोग जो चुनाव की पूरा मैनेजमेंट करते थे वो आपके साथ खसक गए, क्योंकि उनको आपके बारे में सब कुछ पता था, आपका लूपहोल्स पता है, आपकी ताकत पता है, आपकी कमजोरी पता है। आप देखिए कि हमने राघोगढ़ में देखा था बंटी बना धीरेंद्र, जो पूरी रणनीति तैयार करते थे जयवर्धन की, वो गए तो लीड 4,500 पे आ गई। केपी यादव सांसद प्रतिनिधि थे, वो गए उनके खिलाफ चुनाव लड़े तो लगभग 1,00,000 वोट से वो जीत गए, क्योंकि जो बड़ा नेता होता है उसका आभामंडल इतना बड़ा हो जाता है कि वो नीचे सब कुछ नीचे छोड़ देता है कि मैं मैनेजमेंट कर दूंगा, पैसा खर्च कर दूंगा, बाकी मेन पावर मसल्स पावर जो आसपास की चौकड़ी होती वो करती है। लेकिन जब वो चौकड़ी आपके पास से खसक जाती है तो वो फिर आप पर भारी पड़ जाती है। दिग्विजय सिंह के साथ भी मुझे लगता है यही होता नज़र आ रहा है, नकुलनाथ के साथ भी यही होता नज़र आ रहा है। तो आपकी रणनीति कामयाब होती नज़र आ रही राजपाल जी, रणनीतिकारों को ही तोड़ दिया आपने, कमज़ोर कर दिया। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से सरकार में है, वर्तमान में भी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार में है। हम लोगों ने जो काम किए हैं गरीब कल्याण के, जो मध्य प्रदेश जो बीमारू मिला था उसको विकसित करने का प्रयास किया, और बहुत विनम्रता से शिवराज सिंह चौहान जी और मोहन जी ने मिलकर इस यात्रा को यहाँ तक लेकर आए। शिवराज सिंह चौहान जी की भी जो योजनाएं थी वो सामाजिक सरोकार रखने वाली योजनाएं थी, हमने गरीब कल्याण के कार्यक्रम मध्य प्रदेश में दिए, जहाँ एक तरफ केंद्र की सरकार और फिर उसके बाद में प्रदेश की सरकार, फिर हमारे जनप्रतिनिधियों का व्यवहार, ऐसा एक सुंदर सा गुलदस्ता बन गया जिससे भारतीय जनता पार्टी पर जनता ने विश्वास किया। मध्य प्रदेश की जनता के बीच में हम इस बात को स्थापित करने में सफल रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वो किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना के समय पर जिन बातों को कही थी उन बातों को सरकार में आने के बाद
पूरा किया, चाहे भले राम मंदिर निर्माण की बात हो, चाहे 370 धारा हटाने की बात हो, चाहे अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, चाहे अंतिम लक्ष्य जो हमारा पार्टी के समय स्थापना के समय था कि भाई भारत माता को फिर से, भारत वर्ष को फिर से हम जो है विश्व गुरु के स्थान पर प्रतिस्थापित करने का, उस वैभवशाली स्थान पर ले जाने का प्रयास करें, उस तरफ जब हमारी कार्य योजना दिखने लगी, लोगों को ये दिखने लगा कि जो इन्होंने कहा वो कर रहे हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी पे मध्य प्रदेश में जनता ने विश्वास करने का काम किया, वहीं नेतृत्व की गारंटी भी चली। मोदी जी की गारंटी मध्य प्रदेश में अक्षर से चलने का काम हुआ, उसी का नतीजा है कि हम 29 के 29 स्थान पर जीतने की स्थिति में अग्रसर। लेकिन जीतू पटवारी का बयान आया है अभी ताज़ा, मैं बता देता हूँ आपको, देश में जो रुझान है ये अहंकार के खिलाफ है। प्रधानमंत्री मोदी देश से बड़ा अपने आप को समझ रहे थे, जनता ने उनको जवाब दे दिया और उन्हें पटवारी कह रहे हैं मैं मानता हूं शाम तक नतीजे हमारे पक्ष में होंगे। एमपी में भाजपा को 29 की 29 सीटें आगे होने पर भी उन्होंने कहा कि 7-8 सीटों पर टॉप फाइट पर हैं, शाम तक नतीजे हमारे पक्ष में आ जाएंगे। वो कह रहे हैं 7-8 सीटों पर। अपने जो ये श्रीमान जीतू पटवारी जी जो है आज हारने के बाद में हारू पटवारी हो जाएंगे, 29 की 29 सीट हार रहे हैं, अब वो तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली कहावत उन पर एकदम सटीक बैठती है। मध्य प्रदेश में तो कोई परफॉर्मेंस दे नहीं पाए, इंदौर जो उनका घर है वहाँ तो पलायन कर गए, वो बात कर रहे हैं अब उत्तर प्रदेश की और बिहार की और ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, तो करते रहे। लोग तो समझ रहे कि भाई तुमने क्या दिया, तुमने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं दी अभी तक, कांग्रेस कमेटी गलत बोल गया मैं, प्राइवेट लिमिटेड कर रखा है, ऑफिशियल कांग्रेस कमेटी नहीं है मध्य प्रदेश में आज की तारीख में जीतू पटवारी की अध्यक्षता वाली, और चुनाव में है ये, कई जिलों के जिलाध्यक्ष ही नहीं और चुनाव में, और बात बड़ी बड़ी करा लो, तो मुंह चलाने से काम नहीं चलता है, संगठन चलाना अलग बात है। और जिस प्रकार से रिकॉर्ड बना है जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस से, कांग्रेस छोड़कर जाने वालों का, वो इतिहास तो पूरे देश में कहीं नहीं बना जो यहाँ मध्य प्रदेश में बना। वो कह रहे हैं 7-8 सीटों पर फाइट है और हम शाम तक नतीजे हमारे फेवर। 7-8 सीट पे तो जीतू पटवारी सभा करने पहुंचे होंगे साहब पूरे मध्य प्रदेश में, 27 जगह तो लड़े वो 29 में से, 6-7 जगह कहीं वो पहुंचे होंगे, बाकी की 27 जगह तो 27 प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग थे जो काम कर रहे थे, कहाँ पहुंचे? उज्जैन में तो हमने देखे ही नहीं उनको कभी आते हुए, कोई सभा ही नहीं हुई उनकी। तो शिवानी जी, दूसरे की शादी में अब्दुल्ला दीवाना दूसरी जगह नतीजों पर रुझानों पर बोल रहे हैं जीतू पटवारी, लेकिन मध्य प्रदेश में तो एक भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही रुझानों में। हिमानी जी, डिबेट के दौरान दो बार आप मेरा नामकरण चेंज कर चुके हैं, हिमानी चाहता हूं। शिवानी नहीं, हिमानी। हाँ हिमानी जी बिल्कुल, मैं एक बॉर्डर फिल्म के कोट से अपनी बात शुरू करूंगी, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, प्रभु भाई और मनोज भाई को कोट करते हुए बोलूंगी कि 29 सीटों पे जीत तो भारतीय जनता पार्टी की इसलिए संभव नहीं है कि प्रभु भाई ने जिन दो सीटों को कोट किया खजुराहो और इंदौर, वहां तो भारतीय जनता पार्टी जीत भले जाए लेकिन कांग्रेस को हरा नहीं सकती, क्योंकि वहां पर उन्होंने षड्यंत्र जो इस तरह का किया था वहां वो कांग्रेस को, और अगर आप देखें पूरे इंडिया में अभी की स्थिति में जब रुझानों में है 83,000 नोटा का रिकॉर्ड इंदौर में टूट गया है अभी, और आप देखिएगा शाम तक जब रिजल्ट आएंगे तब तक स्थिति क्या पहुंचेगी, तो आप ये सोच सकते हैं कि इंदौर में जो षड्यंत्र रचा गया और जो खजुराहो में रचा गया वो जनता को कहीं से कहीं तक पसंद नहीं आया। आप ये सोचिए कि इतनी गर्मी होने के बावजूद 83,000 लोग इन शुरुआती रुझानों में नोटा का वोट देने पहुंच गए, तो जनता के बीच में कितनी नाराजगी इस चीज को लेकर रही होगी हर समय। जी आप उसमें सूरत भी जोड़ सकती हैं। नहीं, अभी हम यहाँ 29 सीटों की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने उसमें सूरत को नहीं जोड़ा, और मैं यही बताना चाहूंगी कि बड़ी बड़ी बातें अगर आप षड्यंत्र रचें, आप दबाव बनाएं, आप किसी के ऊपर अलग तरीके का दबाव बनाकर वो करें, तो ये नोटा से जनता ने जवाब दे दिया, और ये जीतू पटवारी जी का भी आप जवाब मानिएगा कि 83,000 वोट ये एक इतिहास बन गया, और शायद अगर कैलाश विजयवर्गीय जी इसी तरह से सक्रिय रहे तो आगे भी इस तरह के रिकॉर्ड शायद टूटते रहेंगे, लेकिन अभी तक के लिए 83,000 का रिकॉर्ड बन गया। लेकिन हिमानी जी, आपकी अपील करने के बाद 83,000 आप ज्यादा मान रहे हैं, हमको तो ऐसा लग रहा था कि इंदौर नया इतिहास रचेगा, नोटा जो उम्मीदवार है बीजेपी का उससे भी ऊपर निकल जाएगा। आपको यही यकीन हो रहा है कि अभी हम रुझानों पे बात कर रहे हैं तब हम 83,000 पे पहुंच गए हैं, और जिस तरह से वोटिंग क्या बात है हिमानी जी, चिंता खुश होने की करनी चाहिए कि आपने ऐसे उम्मीदवार को चुना जो भग गए, आपने ऐसे को साथ दिया जो पर्चा नहीं भर पाए। अगर
प्रभु जी, अगर वो व्यक्ति अपनी मर्जी से चला गया होता, आप बताइए कि किस तरह से, अगर आप वीडियोस आपने भी देखे होंगे जिस तरह अड़ा के उसको लेके जाया जा रहा है, आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के रमेश मेंदोला जी को इतनी फुर्सत कि कलेक्टर ऑफिस से दूसरों के नामांकन वापसी के लिए ले जा रहे हैं, तो आपको इसमें किसी षड्यंत्र की बू नहीं आती है? अगर आपको इसमें जो छिंदवाड़ा में हुआ और उसके बाद जो विक्रम आर्के जी के बयान आए उसमें आपको षड्यंत्र की बू नहीं आ रही है, तो इसके बारे में फिर कुछ नहीं कहा जा सकता? लेकिन जनता ने 83,000 रुझानों में इस तरह के नोटा को समर्थन देकर आपने उन्होंने साबित कर दिया कि ठीक है, विक्रम आर्के कहां रहेंगे ये भी आपको पता चल जाएगा आज शाम को रिजल्ट आने के बाद। मेरी उनसे बात हुई थी, उन्हें व्यक्तिगत कारण बताए थे कि वो क्यों जा रहे हैं। वो इसलिए नहीं जा रहे कि दबाव प्रभाव में खुद होकर वो खुद ही वहाँ जा रहे थे। और आपको जो इंदौर का कैंडिडेट गया है उसके बाद उस दिन चलो उनने पकड़ के नाम वापस करा दिया, अगले दिन तो वो आके बैठ सकता था आप लोग के साथ। उसके बाद तो आपने 57 लोगों की टीम बना दी थी, उसके पोस्टर लगवा दिए थे कि वांटेड है, फरार है, इसको गिरफ्तार करने कांग्रेस ही ढूंढ रहे थे जी। लेकिन उसमें एक सवाल ये भी आता है हेमानी जी, एक सवाल तो ये बनता है कि आपने ऐसे व्यक्ति का चयन किया, एक में ऐसे व्यक्ति का चयन किया जिसपे दबाव बना सकते थे, जिसमें क्रिमिनल अपराध दर्ज था उस पर, एक व्यक्ति, तो आप इस बात का ये भी सवाल उठा सकते हैं कि जिसके ऊपर क्रिमिनल अपराध दर्ज था, जिसके ऊपर एक दिन पहले एक 360 की धारा बिठाई गई थी, उसको भारतीय जनता पार्टी का क्या स्वार्थ आ रहा था कि उन्होंने उसे फौरन उसे अपनी गोद में बिठा लिया? आपके मुख्यमंत्री उसको भरे मंच से गले लगा रहे हैं। चलिए मैं लौट रहा हूँ आपके पास हिमानी जी, लौट रहा हूँ आपसे ही शुरुआत करूंगा, लेकिन मथुरा से बड़ी खबर आ रही है, हेमा मालिनी पहुंची हैं राधा रमन मंदिर, मथुरा से ये खबर आ रही है, ठाकुर राधा रमन मंदिर में पूजा अर्चना कर रही हैं हेमा मालिनी, बीजेपी प्रत्याशी 1,00,000 वोटों से आगे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चल रहे हैं पीछे, हेमा मालिनी को मिले 1,93,000 वोट। ये देखिए तस्वीरों में आप देख रहे हैं, और क्या कुछ बोलेंगी अभी वो भी आपको सुनवाते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं राधा रमन जी के मंदिर में दर्शन करके मैं अभिषेक जी के घर में हूँ, और इस वक्त बहुत अच्छा सा एक माहौल है यहाँ पर, और मुझे खुशी हो रही है कि हम बहुत अच्छी तरह से हमारी जीत हो रही है, तो मैं चाहूँगी कि पूरा देश का भी जीत हो जाए हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की जीत हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। दैट इज माई विश, इसी प्रार्थना के लिए मैं आई हूँ। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मोदी जी आए, मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बने और देश का जो उन्नति हो रही है, विकास हो रही है, वो आगे और बढ़े। तो ये आप सुन रहे थे हेमा मालिनी को, मंदिर में थी और कह रही थी कि हमारी जीत तो हो ही रही है, पूरी पार्टी जीतेगी ऐसी उन्हें उम्मीद है जी। हेमानी जी, तो मैं ये कह रही थी कि फिर आप बताइए कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस एक 19 साल पुराने केस के व्यक्ति को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक दिन पहले जिस पर धारा बढ़ाई गई ऐसे व्यक्ति को गोद में उठा लिया, ऐसी क्या मजबूर आ रही थी, ऐसा कौन सा कार्य संपादित करके उसने भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा पूरा किया था कि मोहन यादव जी उसको भरे मंच से गले लगा रहे थे? ऐसी कौन सी भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता था या उनके लिए उसने ऐसा कोई काम कर दिया था? आपको इसमें कोई षड्यंत्र की बुनी आ रही तो फिर इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा कैसे संभव है कि 57 लोगों की टीम हमने लगाई, हमने विरोध स्वरूप बैनर पोस्टर लगवाने पड़े और वो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करता घूम रहा था और प्रशासन उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रहा था? आपको इसमें किसी षड्यंत्र की बू नहीं आती? देखिए, अगर अगर आपने, जैसे आप ही ने बात की, पहले मैं मध्य प्रदेश की बात करना चाहती थी, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं तो भावनात्मक बयान, जैसे कि मनोज भाई ने बोला कभी कभी काम नहीं करते, तो जिस तरह के भावनात्मक बयान इस बार मोदी जी ने दिए, उन्होंने इस बार सारी सीमाएं लांघ दी और सीमा लांघने की एक पराकाष्ठा जो उन्होंने की कि मेरी माता के जाने के तक तो मुझे फिर भी लगता था कि मैं उनका बेटा हूं और मेरी माता के देवलोक के बाद तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं बायोलॉजिकली पैदा ही नहीं हुआ हूं। आपको ये मानसिक रूप से किसी स्वस्थ व्यक्ति का बयान लगता हो तो फिर मैं इस डिबेट को बिल्कुल छोड़ देना चाहती हूं कि अगर ऐसा कोई मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपनी माता की मृत्यु के उपरांत ऐसा कह दे कि वो बायोलॉजिकली पैदा नहीं है तो उसको भारत का प्रधानमंत्री होने का भी कोई हक नहीं है। और ऐसे व्यक्तियों का जो लोग अनुसरण करते हैं उनको अपनी मानसिक स्थिति का भी अनुमान लगा देना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को अपना नेता मानते हैं कि जो बायोलॉजिकली पैदा ना होने का दावा कर रहा है और उसे ऐसा लगता है कि वो ऊपर से उतरा हुआ है, उसको भेजा गया है किसी चीज के लिए। तो ये भावनात्मक बयान जो है ये भी जो एनडीए के जो बड़े बड़े दावों को ध्वस्त होते हुए आप, चलिए इसका जवाब मैं राज्यपाल जी से लूंगा, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है बनारस से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में हैं,
मोदी को 1,85,082 वोट मिले हैं, वो 57,740 वोट से आगे हैं। कांग्रेस के अजय राय को मिले हैं 1,27,342 वोट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं, 57,740 वोट की लीड है उनके पास। कांग्रेस के अजय राय पीछे चल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे हो गए हैं, जबकि शुरुआत में प्रधानमंत्री 6,000 वोटों से पीछे चल रहे थे, अब 57,000 की लीड है। जी राजपाल जी, हिमानी जी के सवालों के, आरोपों के दीजिए जवाब। बहन हिमानी जी जो बात कह रही है, अब मानसिक वानसिक का वो तो मेरे को नहीं मालूम साहब, मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, मनोवैज्ञानिक भी नहीं हूँ, चिकित्सक भी नहीं हूँ, पर ये ज़रूर कह रहा हूँ कि वो जो बयान था मोदी जी का, वो बहन ने हमारी उसको ढंग से पूरा सुना नहीं। दिक्कत यही है कांग्रेस की, और इसीलिए कांग्रेस की ये स्थिति हो गई है, पूरा बयान सुनना नहीं, आधी अधूरी बात सुनना और उसी में से कुछ भी अपने मन से व्याख्या कर देना। खैर उनका लुकआउट है, वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने इस देश का, आप समझा दीजिए ना, अभी सभी बैठे हुए या जनता भी सुन रही है, आप समझा दीजिए इस बयान का पूरा मतलब। और दूसरे आप जिस तरह की बातें कर रहे, समझाया उसको जाता है जो समझने की चेष्टा रखे बहन जी। इस प्रकार से बीच में जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, पहले तो यही अशिष्टता है, यही अशिष्टता है। अब मानसिक संतुलन किसका ठीक है किसका गलत नहीं है जनता तय कर रही है, मानसिक संतुलन किसका ठीक नहीं है ये जनता देख रही है, स्क्रीन पे देख रही है, अपना बंदा लगा ले। हिमानी जी आप आरोप लगा रही थी, बोल रही थी, मैं जवाब दे रहा था आपके आरोप का, अब आपको आरोप में जवाब नहीं सुनना, तो जनता को समझ में आ रहा है कि मानसिक स्थिति की आवश्यकता किसको है, मोदी जी को है या मोदी जी के मानने वालों को है, कि राहुल बाबा और राहुल बाबू के पार्टी के लोगों को मानसिक स्थिति की जांच कराने की जरूरत है, जनता देख रही है। मेरे को कुछ बात नहीं करना आपके, मैं आपने जो प्रश्न दिया है उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। अब आप मेरा जवाब नहीं आना देना चाहते तो आपकी मर्जी, जनता जवाब दे रही है, वो आ रही स्क्रीन के ऊपर, वो पहुंच गया हम 295 के ऊपर, वो आ रहा जवाब, उधर बगल में आ रहा जवाब, देख लो स्क्रीन पे ही आ रहा है। आप अगर मेरा जवाब आप नहीं आन दोगे, वो जनता तो देख रही है ना, जनता जवाब दे देगी। नहीं तो आप शांति से इस बयान का जवाब दीजिए, आप क्या बोल रही हैं। तो शांति से तो दे रहा था, शांति तो आपने करी ना बहन जी बीच में आके, मैं तो आपको बहन जी बोल के शांति से ही दे रहा था। हिमानी जी बहन जी, मैं तो आपको बहन जी बोल के शांति से जवाब दे रहा था, हमारे यहाँ तो सिखाया ही जाता है अभद्रता और अशिष्टता करना, तो हमारे इससे परवरिश में ही नहीं है। पर अब आप बीच में बोल रही तो आप जानो, आप इस बयान का आपके मुंह लग नहीं सकता। मात्र शक्ति को प्रणाम मेरा, नमस्कार। इस बयान पे वैसे भी मातृशक्ति को प्रणाम, डिबेट हो चुकी है, हम आगे बढ़ गए हैं, अब चुनाव परिणामों की बात कर रहे हैं। अरे मातृशक्ति को प्रणाम कर रहे हैं साहब, हम तो आपके क्या मुंह लगे, हम मान नहीं सकते। बनारस की जनता और देश की जनता इस सवाल का जवाब दे देगी ना, दे रही जनता, बनारस की जनता और देश की जनता इस सवाल का जवाब दे देगी। आपको टैली दिख रही है, ऐसे तो फिर सभी सफर हम यहाँ डिबेट करने क्यों बैठे हैं, अगर सभी सवालों के जवाब जनता ही दे रही है। आपकी मर्जी साहब, आप क्यों बैठे, आप तय करो, हम तो इसलिए बैठे कि हम अच्छी बातें डिलीवर करें यहाँ से। अरे भाई आप अपनी आपकी पार्टी, आपकी पार्टी और आपके प्रवक्ता पद का मान सम्मान लिए जिस चैनल पे बैठे उसकी तो लाज रखिए, अनादि चैनल की इज्जत रखिए। अब ये पूछने लगेंगे कि आप जो है मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कर रही है, तो आप जवाब दे पाएंगी उसका? नहीं आप बताइए कि बायोलॉजिकली कोई व्यक्ति पैदा नहीं होता। सवाल जवाब करेंगी हिमानी जी, मेरा काम तो मुझे करने दीजिए, ऐसे सवाल जवाब करेंगी तो फिर विरासत टैक्स पे आ जाएंगे, मुसलमानों को देने पर आ जाएंगे आरक्षण, इस तरह की बहस, इन तमाम बहस, इन सब पर हम बहस कर चुके हैं हिमानी जी, इन सब पर बहस कर चुके हैं, इसी पर मतदान हुआ है और अब मतगणना हो रही है। 10 सेकंड में मैं मेरी बात कह दूंगी कि आपको नहीं देना जवाब, आप नहीं दे सकते तो मत दीजिए, लेकिन आप ये मत बोलिए कि समझने के लिए तैयार नहीं है। जनता चुनाव में जवाब दे चुकी है, समझा दीजिए आपके जवाब का और आपके प्रश्न को कौन पूछ रहा है, मेरे जवाब से क्या होना है? जो उन्होंने वाराणसी में बोला ना, उसका जवाब वाराणसी की जनता ने मोदी जी को दे दिया। आप तो ये बात करो कि मध्य प्रदेश में ये कारवा क्यों डूब रहा है, ये जीतू पटवारी शाम तक इस्तीफा देंगे? 4 बजे का मुहूर्त हुआ है कि 6 बजे का हुआ है? जीतू पटवारी, हारू पटवारी इस्तीफा कब दे रहे हैं? ये बात करो, आप मध्य प्रदेश में बैठे हो, आप मध्य प्रदेश की बात करो, मध्य प्रदेश की बात करो, या जीतू पटवारी जी बिना कमेटी के कब तक अध्यक्ष है, क्या शाम को कितनी बजे दे रहे हैं इस्तीफा, ये बताओ आप, तो इस पर बात करो, आपका नेता जीतू पटवारी इस्तीफा कब दे रहा है, ये बात करो, बात हो। अब वो बायोलॉजिकल का जवाब दे दिया वाराणसी की जनता ने, जीता दिया मोदी जी को, बात खत्म हो गई। अब तो बात शुरू ये होगी
कि जिसके खुद के शहर का कैंडिडेट चला गया कांग्रेस छोड़ के, वो प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा कितनी बजे दे रहा है, इस पे बात करो जरा हिमानी जी, आओ जरा इस पे बात करो, इस पे आओ ना बात करने, इस पे बात करने आओ ना। अगर लीड की ही बात होनी है तो क्या अमित शाह जी को इस बार प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा अगर लीड का अंतर दे। अरे आपसे पूछ के बनाएंगे क्या प्रधानमंत्री, आपसे पूछने आएंगे क्या, वो जनता ने दीजिए मैंडेट जिसको देना था, वो बन जाएंगे, वो चिंता आप मत करो। आप तो ये बताओ कि मत। चलिए गुजरात से एक बड़ी खबर आ रही है, मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास, गुजरात से बड़ी खबर आ रही है, गुजरात से बड़ी खबर आ रही है, अमित शाह की बड़ी जीत, गांधीनगर से जीते अमित शाह, 5 लाख से अधिक मतों से जीत गए अमित शाह। गांधीनगर से बड़ी खबर आ रही है, 5 लाख से अधिक मतों से जीत हुई है केंद्रीय गृह मंत्री की। गांधीनगर से अमित शाह जीत गए हैं, गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर मतगणना जारी है और पिछले 2 बार से लगातार 26 के 26 सीटें बीजेपी जीतती रही है। इस बार भी अमित शाह ने कहा था कि वो क्लीन स्वीप करेंगे गुजरात में, एक सीट पर कांग्रेस टक्कर देती नजर आ रही थी, गुजरात में 25 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, एक सीट के परिणाम आ गए हैं, जीत का सिलसिला गुजरात में शुरू हो गया, अमित शाह 5 लाख से अधिक मतों से जीते हैं, ये पहली जीत है जो घोषित हुई है गुजरात की, गुजरात में ये पहली जीत घोषित हुई है। 26 सीटों पर चुनाव हुए थे, लगातार 2 बार से 26 की 26 सीटें बीजेपी जीतती रही है, बड़े मार्जिन से जीते हैं अमित शाह। उन्होंने सोनल पटेल को हराया कांग्रेस की, तो भट्ट साहब मध्य प्रदेश में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व था, चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे कमलनाथ हो या फिर दिग्विजय सिंह हो, इनमें कुछ एकता नजर नहीं आ रही थी, उसका भी खामियाजा भुगतते हुए देख रहे हैं क्या आप? प्रदेश में कांग्रेस बहुत बिखरी हुई थी। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने एक चक्रव्यूह के रूप में फंसा के रखा था, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे कांतिलाल भूरिया हो, वरुण यादव हो, ये तमाम अपने अपने इलाकों में ही सीमित रह गए। इसके कारण भी क्या है कि दूसरी जगह वो प्रचार कर नहीं। दूसरी बात यह है कि जीतू पटवारी जिस पे आक्षेप लगाया जा रहा है कि उनका नेतृत्व ठीक नहीं था, उनको समय कितना मिला था? जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो ये मान के बनाया गया था कि एक युवा व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जा रहा है, लेकिन उनके पास समय बहुत कम था। उसी समय राहुल गांधी की यात्रा थी, उसको भी देखना था, उसके बाद पैसे की व्यवस्था भी करना थी, उसके बाद लोकसभा के प्रत्याशियों को भी देखना था, तो ये तमाम चीज, और यही कारण था कि वो अपना संगठन तक नहीं बना पाया। अब जब संगठन किसी प्रदेश में अगर कांग्रेस का नहीं होगा तो वो कितनी ताकत से चुनाव लड़ सकता है, ये भी आपको देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो बहुत मजबूत है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती, और जिस तरह से उसके कार्यकर्ता तन मन धन से सेवा करते हैं अपनी पार्टी की, उसका अभाव कहीं ना कहीं कांग्रेस में है। और उसके पीछे कारण ये है कि जो बड़े बड़े शख्स थे जिन्होंने हमेशा अपने लोगों को प्रश्रय दिया है, उसके कारण जो बेचारे दूसरे लोग थे, जो काम करने वाले लोग थे, उनके मन में ये बात आई कि जब तक ये बड़े बड़े नेता यहाँ पर हैं तब तक हमारा कोई वर्चस्व बनेगा नहीं। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का भी ये जो मध्य प्रदेश की तो आप बात छोड़ दीजिए, दूसरे प्रदेशों में भी जो स्थिति बन रही है, कमजोर स्थिति बन रही है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण ये है
कि जो आयातित नेताओं को इन्होंने अपने सिर पे बैठा के अपने पुराने जो लीड कार्यकर्ता हैं जो दरी पट्टा उठाते थे, जय जयकार करते थे, जुलूस निकालते थे, उनके मन में भी कहीं ना कहीं असंतोष। तो अपने अपने कार्यकर्ताओं को जो खांटी कांग्रेसी कार्यकर्ता हो या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सम्मान देना जरूरी है। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं ताजा रुझानों के साथ और परिणामों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।